दोस्तों आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने पीएफ अकाउंट का पासवर्ड को भूल गए, यानी यूएन नंबर का पासवर्ड का भूल गए, तो आप अपने यूएन नंबर में पासवर्ड को नया कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज की स्टूडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक बन रहिएगा जिससे आप लोगों को समझ में आए कि आप अपना यूएन नंबर का पासवर्ड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि आने वाले मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सर्च टैब में सर्च करना है UAN। जैसे ही आप लोग UAN सर्च कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन सर्च करना है UAN लॉगिन। जैसे ही आप लोग UAN लॉगिन सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को एक नया पेज खुल कर आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं UAN एम्प्लॉयज़, इसी फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करना है। UAN एम्प्लॉयज़ के फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को नया पेज खुल कर आएगा। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को नया पेज खुल कर आ चुका है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को यूएन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड इस कैप्चर को फिल करेगा, साइन इन पर क्लिक करेंगे। अगर आप लोगों के पास पासवर्ड नहीं है, अगर पासवर्ड भूल गए या नया क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे आप लोग नीचे आइएगा और इस फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को इंटर UAN नंबर फिल करना है और इस कैप्चर को फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं सब चीज़ फिल करके आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं सब चीज़ फिल करके सबमिट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप लोग यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को नेम अपना डालना है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जेंडर को चूज़ करके वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं सब चीज़ फिल कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं सब चीज़ फिल कर चुका हूँ, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का नया पेज खुल करेगा। यहाँ पे आप लोग जो भी डिटेल डाले हैं अभी वो आप लोग शो करेगा। यहाँ पे इस कैप्चर को फिल करके अपना आधार नंबर डालिएगा। यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं सब चीज़ फिल करके आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि आप लोगों का आगे का प्रोसेस क्या है। तो चलिए मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं सब चीज़ फिल कर चुका हूँ, उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो एक नया पेज खुल करेगा। जो भी अभी वेरीफाई किए हैं यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन टिक मार्कर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर आधार कार्ड से लिंक है उस नंबर को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे आप लोग टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिएगा, गेट OTP पर क्लिक करना है। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके गेट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग इस कैप्चर को फिल करके यहाँ पे गेट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग गेट OTP पर क्लिक करेंगे यहाँ पे सब चीज़ वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे नीचे आइएगा। यहाँ पे न्यू पासवर्ड जनरेट करने के लिए आप लोग को मिल रहा है, तो यहाँ पे आप लोग न्यू पासवर्ड को डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड को डालिएगा। यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पर शो कर रहा होगा जैसे मैं पासवर्ड बता रहा हूँ वैसे आप लोग पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा, तभी आप लोग का यहाँ पे पासवर्ड सबमिट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं सब चीज़ यहाँ पे फिल कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं पासवर्ड को क्रिएट कर चुका हूँ, उसके बाद यहाँ पे आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुल, क्लिक हेयर टू लॉगिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पासवर्ड सक्सेसफुल हो चुका है। यहीं से आप लोग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि आप लोग लॉगिन कैसे कर सकते हैं। तो इस लॉगिन वाले पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे अपना UAN नंबर डालेगा, यहाँ पे पासवर्ड को डालेगा, इस कैप्चर को फिल करके साइन इन पर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए मैं साइन इन पासवर्ड को फिल करके सब चीज़ फिल करके आप लोगों को साइन इन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैं सब चीज़ फिल कर चुका हूँ, उसके बाद यहाँ पे साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग साइन इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन इंटरफेस आ जाएगा। अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का UAN नंबर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे अपना का नाम देखने को मिल जाता है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपका जेंडर। सो कुछ इस प्रकार से आप अपने PF अकाउंट यानी UAN नंबर का पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है कि आप अपने UAN नंबर का पासवर्ड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी भी इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।